हेलो जागरूक जनता, क्या घर पर सोलर लगाना सही है? इस पर हमने एक लंबा चौड़ा डिस्कशन किया था अपने पिछले वीडियो में, जिसमें आपने मेरा जादू का मुंह वाला थंबनेल देखा था। उसमें हमने बताया था कि घर पर सोलर लगाना चाहिए, उसकी फाइनेंशियल कैलकुलेशन कैसे होती है, क्या बेनिफिशियल है, कितना रिटर्न मिलता है, और अल्टीमेटली ये प्रूव किया था कि घर पर सोलर लगाना एक नो ब्रेनर है। लेकिन उसमें एक बात की एम्बिग्यूटी रह गई थी कि सोलर पर एक्चुअली सब्सिडी कितनी मिलेगी, क्योंकि अलग अलग स्टेट में सब्सिडी के अलग अलग नियम थे जिस समय हमने वो वीडियो बनाया था। लेकिन उसके बाद कुछ मेजर बदलाव हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है न्यू सोलर स्कीम, जिसके तहत पूरे देश में एक यूनिफाइड सब्सिडी पोर्टल लॉन्च किया गया, और पूरे देश में जो सब्सिडी है उसे समान रूप से सीधा कस्टमर्स तक पहुंचाने की मुहिम शुरू की गई है। लोग आसानी से रूप टॉप सोलर प्रोजेक्ट लगा पाए, इसके लिए आज एक नेशनल पोर्टल भी शुरू किया गया है। सर, निवेदन करना चाहूंगा सर, कृपया इस नेशनल रूफटॉप पोर्टल का शुभारंभ सर रिमोट के बटन दबाने की करके करने की कृपा करें। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलर सब्सिडी के बारे में, और ये सब्सिडी कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी, इन सारे ही प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और इन सब डिस्कशन के लिए मेरे साथ है मेरी कॉलेज सीनियर, जिनको आपने पिछले वीडियो में भी देखा था, सोलर स्क्वायर की सीईओ श्रेया। हेलो श्रेया। हाय, मैं श्रेया मिश्रा एक बार फिर आपके साथ आज स्पेसिफिकली सब्सिडी डिस्कस करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। एंड आज हम प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो नई स्कीम लॉन्च करी है घरों पर सोलर लगाने के लिए, एक यूनिफाइड सब्सिडी स्कीम फॉर ऑल इंडिया, उस पर चर्चा करेंगे। श्रेया, जब हमने लास्ट वीडियो शूट किया था उस समय तक सिचुएशन ये थी कि हम अगर घर पर सोलर लगाना चाहते हैं तो हम एक सोलर वेंडर चूज करते हैं, वो वेंडर हमें एक कोटेशन देता है। इस कोटेशन में जो प्राइसिंग होती है उसमें जो से सोलर सब्सिडी मिलने वाली है वो ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर होती है। मान लीजिए 2 लाख रुपये का कॉस्टिंग है और से 30,000 रुपये की सब्सिडी आ रही है, तो वो आपको 1,70,000 रुपीज़ ही कोट करता था, और जो गवर्नमेंट से सब्सिडी लेनी होती थी उसका सारा जिम्मेदारी उस सोलर कंपनी की, सोलर वेंडर की होती थी। इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम ये थी कि एग्जैक्टली कंज्यूमर को पता नहीं चल रहा था कि कितनी सब्सिडी मिली है, क्योंकि जो सोलर कंपनी है वो उसे डायरेक्टली कोट देती थी और ये बोलती थी कि भाई जो भी सब्सिडी है वो हम लोग हैंडल कर लेंगे, आपको उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जो प्राइम मिनिस्टर ने ये न्यू सोलर सब्सिडी लॉन्च की है, न्यू सोलर स्कीम लॉन्च करी है, इसमें ऐसा क्या डिफरेंस है कि इतने सारे लोग इसके लिए एक्साइटेड हैं? तो जो न्यू एंड सिंप्लीफाइड स्कीम प्रधानमंत्री मोदी ने 30 जुलाई 2022 को, अभी कुछ ही महीनों पहले लॉन्च करी है, उसमें और पुरानी स्कीम जिसके तहत इंडिया में घरों को सब्सिडी मिलती थी सोलर के लिए, उसमें 3 मेजर डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि पहले जो सब्सिडी थी वो सोलर कंपनी के खाते में आती थी और कंज्यूमर को उसे अपफ्रंट डिस्काउंट की तरह मिलता था, लेकिन अब ये नए नेशनल पोर्टल के द्वारा न्यू एंड सिंप्लीफाइड स्कीम में सब्सिडी डायरेक्टली कंज्यूमर के खाते में आएगी। इसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कहा जाता है। जैसे कि एलपीजी की सब्सिडी कंज्यूमर के खाते में आती है, वैसे ही अब घर पे सोलर लगाने की सब्सिडी कंज्यूमर के खाते में डायरेक्टली आएगी। ये सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा दी जा रही है, और ये आपके घर पे सोलर सिस्टम लगने के बाद आपकी डिस्कॉम या बिजली विभाग उसका एक इंस्पेक्शन करेगी, और जैसे ही वो इंस्पेक्शन हो जाएगा आपके उसके 30 दिन में कंज्यूमर के खाते में ये सब्सिडी का अमाउंट आ जाएगा। दूसरा अंतर, जैसे ऋषभ आपने भी कहा कि पहले पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग प्रदेशों में, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरला, सब जगह अलग अलग सब्सिडी के रेट्स थे, तो अब प्राइम मिनिस्टर मोदी के न्यू एंड सिंप्लीफाइड स्कीम के अंदर पूरे हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक सब्सिडी का रेट है, एक पॉलिसी है, एक यूनिफाइड स्टैंडर्डाइज्ड प्रोग्राम है। तो इससे पूरे इंडिया के कंज्यूमर्स बिना कंफ्यूजन के एक रेट पे सब्सिडी का फायदा उठा पाएंगे। जो तीसरा डिफरेंस है वो ये है कि पहले कोई, जैसे आपके आधार का आज यूआईडी की वेबसाइट है, कोविड वैक्सीनेशन के लिए कोविन वेबसाइट है, वैसे ही सोलर के एप्लीकेशन, सोलर के लिए जो नेट मीटरिंग वगैरह की एप्लीकेशन करनी पड़ती है, सोलर की सब्सिडी की एप्लीकेशन वगैरह के लिए कोई एक नेशनल पोर्टल नहीं था, लेकिन अब इस न्यू एंड सिंप्लीफाइड स्कीम के साथ ही साथ एक नेशनल सोलर पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसका की आईडी है www.rooftopsolar.gov.in। इस नेशनल पोर्टल पर आप अपनी सोलर की एप्लीकेशन और उसी के साथ साथ इसी पोर्टल पर आपकी सोलर कंपनी, आपके सिस्टम की सारी डिटेल्स,
एंड एट द सेम टाइम आपकी बैंक डिटेल्स अपलोड करेगी और इस पोर्टल पे कंज्यूमर को कुछ समय बाद रियल टाइम ट्रैकिंग भी मिलेगी, जिससे कंज्यूमर समय समय पर देख सकते हैं कि उनकी सोलर की एप्लीकेशन किस स्टेप पर है, क्या प्रोग्रेस है, और इसी पोर्टल के द्वारा वो ये भी ट्रैक कर सकते हैं कि उनके खाते में, बैंक अकाउंट में पैसा कब तक आएगा। तो श्रेया, अब बात करते हैं, ये सब्सिडी हमें पता चल गया कि अब डायरेक्ट हमारे खाते में आने वाली है, तो मेजर क्वेश्चन ये है कि कितनी आएगी और क्या ये डिपेंड करेगी कि मैं कितने किलोवाट का प्लांट लगा रहा हूँ, क्या कुछ अलग अलग स्लैब्स हैं जिसके हिसाब से सब्सिडी हमें मिलेगी, तो उसकी कैलकुलेशन अगर आप क्विकली समझा सके तो। तो इंडिया में घरों पर सोलर लगाने की सब्सिडी तीन स्लैब्स में डिवाइडेड है। पहले से तीसरे किलोवाट तक आपको पर किलोवाट 14,588 रुपए यानी 14,588 रुपीस की पर किलोवाट सब्सिडी दी जाएगी। तीसरे से दसवें किलोवाट तक आपको 7,294 रुपए यानी 7,294 रुपीस की पर किलोवाट सब्सिडी दी जाएगी। 10th किलोवाट के ऊपर आप जितना भी किलोवाट ले उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई सब्सिडी नहीं है। तो इन तीन स्लैब्स में और इस यूनिफॉर्म रेट पर पूरे इंडिया में आपको ये सब्सिडी मिलेगी। श्रेया, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, अगर इसको अपन कुछ एग्जांपल से ले, से 1 किलोवाट, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, तो और बेटर समझ आएगा। मान लीजिए अगर आप अपने घर में 3 किलोवाट का सिस्टम लेंगे तो पहले स्लैब के हिसाब से 14,588 रुपीज आपको पर किलोवाट सब्सिडी मिलेगी, यानी 3 किलोवाट के लिए आपको मिलेगी 43,764 तो ये हो गया 3 किलोवाट के लिए। मान लेते हैं अगर आप कुछ 2.5 किलोवाट का सिस्टम लेते हैं तो वहां पर आपको मिलेगी 14,588 इंटू 2.5 यानी 36,470 की सब्सिडी। यही अगर आपका स्लैब चेंज होता है, यानी अगर आप मान लीजिए 5 किलोवाट का सिस्टम खरीदते हैं तो पहले 3 किलोवाट पर 14,588 रुपए पर किलोवाट का रेट, अगले 2 किलोवाट पर 7,294 रुपए का रेट, यानी आपको 5 किलोवाट पर मिलेगी 58,058 रुपीस की सब्सिडी। तो ये स्क्रीन पर हम सारा कैलकुलेशन देख सकते हैं। अब मैं 10 किलोवाट की मैं ट्राई करता हूँ, तो 10 किलोवाट की मेरे हिसाब से 14,000 व्हाटएवर नंबर मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस बचे हुए 7 किलोवाट पर हमको रिड्यूस रेट पर 7,000 समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 7 यानी कुछ 94,000 के आसपास आना चाहिए, ये सब्सिडी मिलनी चाहिए, am I correct? तो 10 किलोवाट के लिए अगर मैं एग्जैक्टली बोलूं तो 94,822 रुपीस की सब्सिडी कंज्यूमर के खाते में उसे मिलेगी। अच्छा, मैं मान लो 12 किलोवाट का प्लांट लगाता हूं तो क्या मुझे सब्सिडी मिलेगी? नहीं, आपको सब्सिडी बिल्कुल मिलेगी, लेकिन आपको पहले से 10वें किलोवाट तक के स्लैब्स में सब्सिडी मिलेगी, या उसके ऊपर जो भी आप सिस्टम लेंगे उस पे आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी, यानी 10 किलोवाट से ऊपर किसी भी कैपेसिटी पर फिक्स्ड सब्सिडी है 94,822 रुपीस। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपने छत पर अनलिमिटेड सोलर जितना भी किलोवाट का लगाना चाहता हूँ लगा सकता हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं, इसके लिए एक टर्म आपको चेक करनी पड़ेगी, वो है सैंक्शन लोड। अभी सैंक्शन लोड क्या होता है उसके बारे में भी हमने चर्चा पिछले वीडियो में कर रखी है। बाय द वे, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, हो सकता है ये वीडियो देखने के दौरान या पिछले वीडियो में भी आपको कई सारे डाउट हो रहे, उसके नीचे कई सारे क्वेश्चन आए थे कि हाइब्रिड पैनल पर सब्सिडी मिलती है कि नहीं, क्या इस पर हम लोग इंश्योरेंस ले सकते हैं, और कई सारे क्वेश्चन हमारे कॉमेंट सेक्शन में आए हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल अनाउंसमेंट इस वीडियो के एंड में मैं करने वाला हूँ, तो वीडियो के तक बने रहिए उस स्पेशल अनाउंसमेंट के लिए, आपके सारे डाउट वहां पर क्लियर हो जाएंगे। तो श्रेया, जैसे आपने शुरू में बताया कि ये जो सब्सिडी है ये हमें बाद में मिलेगी, अपफ्रंट नहीं मिलेगी, इसका मतलब जो इनिशियल पूरा के पूरा इन्वेस्टमेंट है वो कंज्यूमर को करना पड़ेगा। मान लीजिए वो 3 किलोवाट का प्लांट लगा रहा है, तो जैसा हमने लास्ट वीडियो में कैलकुलेशन समझी थी, लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए डिपेंडिंग अपॉन कैसा स्ट्रक्चर है कॉस्ट आने वाली है। तो क्या ये पूरा पैसा अपफ्रंट इस बार कंज्यूमर को देना पड़ेगा, या इसे रिड्यूस करने का या ईएमआई में कन्वर्ट करने का भी कोई ऑप्शन है? तो सोलर स्क्वायर अपने सारे ही कंज्यूमर्स को आसान किश्तों में सोलर खरीदने में हेल्प करती है। सोलर स्क्वायर के द्वारा ही जो हमारी सोलर कंसल्टेशन है उसी के दौरान ही आप हमारे कंसल्टेंट से ईएमआई के बारे में भी समझ सकते हैं और अपने सोलर सिस्टम को एक आसान 6 या 36 किश्तें, दोनों आपकी जो आपकी चॉइस हो उसमें खरीद सकते हैं। यानी कि जब 1 महीने बाद आपका सब्सिडी का अमाउंट आपके खाते में आ जाएगा, काफी मेजर पेमेंट उसके बाद ही जाएगा क्योंकि आप आसान किश्तों में इसे खरीद रहे हैं। तो हमारे ईएमआई की वजह से इवन दो ये सब्सिडी आपको सिस्टम लगने के 30 दिन बाद मिलेगी, आपको आपकी जेब से उतना लमसम अमाउंट लगाने की जरूरत नहीं है और आप सब्सिडी का अमाउंट आपके खाते में आने के बाद धीरे धीरे अपने ईएमआईज में पे कर सकते हैं। तो श्रेया, जैसा आपने बताया कि जो स्कीम है पूरे इंडिया में वैलिड है, तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और क्या ये स्कीम टाइम बाउंड है, मतलब
इस तारीख के बाद स्कीम वैलिड नहीं रहेगी, ऐसा कोई सिचुएशन भी है क्या? या इतने घरों में सोलर लग जाएगा उसके बाद ये स्कीम वैलिड नहीं रहेगी? अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो आप प्लीज क्लियर करिए। तो भारत सरकार द्वारा ये सब्सिडी पाने के लिए घरों को तीन ही सिंपल से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नंबर वन ये कि आपका बिजली का कनेक्शन आपके नाम का होना चाहिए। तो यानी अगर आपने नया घर खरीदा है या आपके माता पिता से आपने घर इनहेरिट किया है, इन सभी सिचुएशंस में ये ध्यान रखिए कि बिजली का कनेक्शन आपके नाम का हो। दूसरा क्राइटेरिया है कि छत की ओनरशिप और छत के राइट्स आपके पास होने चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया है कि ये सब्सिडी का फायदा उठाने के लिए आपको मेड इन इंडिया सोलर पैनल्स ही खरीदना होगा। तो सोलर स्क्वायर इंडिया की बेस्ट और बेहतरीन नेशनल मेड इन इंडिया ब्रांड्स का सोलर पैनल अपने सभी कंज्यूमर्स को जो इस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंदर सोलर लेना चाहती हैं उन्हें प्रोवाइड कर रही है। और क्या इसमें डेट वाइज भी कोई क्राइटेरिया कि इस तारीख तक ये स्कीम चलेगी? तो अभी अगर आप इस नेशनल पोर्टल पर जाएंगे तो इस पर यह बताया गया है कि दिसंबर 2022 तक जो भी कंज्यूमर इस वेबसाइट पर रजिस्टर करेंगे वो इस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सब्सिडी स्कीम के अंदर एलिजिबल है। तो अभी दिसंबर 2022 की डेडलाइन है और सभी कंज्यूमर से हम ये कहेंगे कि वो जल्दी हमें कॉन्टैक्ट करें, अपनी सोलर कंसल्टेशन बुक करें और हमारी मदद से इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट करें। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि ये स्कीम नेशनल पोर्टल की डीबीटी स्कीम पर 2026 तक का एक्सटेंशन भी आने वाला है, लेकिन अभी तक वो उसको अपनी वेबसाइट पर अपडेट नहीं किया गया है। तो एज ऑफ नाउ दिसंबर 2022 की डेडलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए रखी गई है। तो श्रेया, अगर ऑन सेफर साइड हम ये करें कि सोलर से हमको कुछ दो तीन चार महीने बाद भी लगवाना है लेकिन रजिस्ट्रेशन अभी कर ले तो क्या ये बेटर रहेगा? जी बिल्कुल। तो रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर 2022 तक आपको करना है, सोलर आप उसके बाद भी लगवा सकते हैं। मैं हम सभी कंज्यूमर से यही कहेंगे कि 31 दिसंबर 2022 की डेडलाइन के पहले इसमें फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। अगर मैं कुछ स्टेटिस्टिक्स बताऊं, क्योंकि ये स्कीम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस की है और ये एक लिमिटेड कोटा है, भारत सरकार का 4000 मेगावाट का सब्सिडी, रेसिडेंशियल सब्सिडी का टारगेट है। इसमें से 1400 मेगावाट की सब्सिडी ऑलरेडी कंज्यूमर्स को जा चुकी है। इसके तहत 1400 मेगावाट के तहत 400,000 घरों ने भारत में रेसिडेंशियल सब्सिडी का लाभ उठाया है। पर उसमें से अगर मैं एक इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक बताऊं, इस 400,000 में से 300,000 घर सिर्फ एक ही प्रदेश में है जो की है गुजरात। गुजरात में ये स्कीम का बहुत ही बढ़िया पास्ट में इम्प्लीमेंटेशन रहा है, जो स्टेट रन पहले जो स्कीम हुआ करती थी, और सिंप्लीफाइड प्रोसीजर के होने से वहाँ काफी घरों में, घर घर में सोलर का अडॉप्शन हुआ है। बाकी के इंडिया में अगर आप देखें तो मिलके सिर्फ 100,000 घरों ने इस स्कीम का फायदा उठाया है। और 4000 मेगावाट का जो कोटा है, बेसिकली ऑलमोस्ट 35% कोटा खत्म हो चुका है, 60-65% कोटा बचा हुआ है, यानी मात्र 7-8 लाख घर ही और इस स्कीम का फायदा उठा पाएंगे। तो अगर आप देखें तो करोड़ों घर हैं हिंदुस्तान में और ये लिमिटेड 2600 मेगावाट बेसिकली अब इस 4000 मेगावाट में से बचा हुआ है। तो जल्द से जल्द कंज्यूमर्स इस पोर्टल पर रजिस्टर करें और अपने घर पे सब्सिडी का लाभ लेते हुए सोलर लगाएं। तो अगर अपन प्रैक्टिकली देखें तो ऐसा हो सकता है कि जो 4000 में से 2600 बचे हैं वो 2026 तक पहुंचे भी नहीं, उससे पहले हो सकता है खत्म हो जाए। तो अगर सोलर आप लगाने का प्लान कर रहे हैं तो, और सब्सिडी लेना ही चाहिए अगर सब्सिडी अवेलेबल है, तो आप अगर अभी उसे अफोर्ड कर सकते हैं तो अभी विद इन फ्यू मंथ्स आप ये डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन श्रेया, आपने बताया कि इसके लिए हमें सोलर पोर्टल पर रजिस्टर करना पड़ेगा दिसंबर 2022 से पहले, तो आप हमें स्टेप्स बता दीजिए एज अ कंज्यूमर कैसे इस पे फटाफट रजिस्ट्रेशन करना है। क्या इसमें कोई चीज का हमें ध्यान रखना है या कोई गलती होने की संभावना है, उसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं? तो यहाँ पर अगर आप नेशनल पोर्टल पर जाएंगे www.solarrooftop.gov.in, उसमें सबसे पहला स्टेप है कंज्यूमर के लिए अपने आप को रजिस्टर करना। रजिस्टर करने के लिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, अपना बिजली बिल का कंज्यूमर नंबर और ईमेल आईडी देख के आप रजिस्टर कर सकते हैं। ये ध्यान रखें, कई कंज्यूमर्स ने यहाँ पर अपना जो कंज्यूमर नंबर है उसकी जगह कुछ लोगों ने मोबाइल नंबर, कुछ लोगों ने गलत डिटेल्स एंटर करी है। तो बड़े ही ध्यान से अपने बिजली के बिल पर जो कंज्यूमर नंबर, IVRS नंबर लिखा हुआ है, उसे ही एंटर करके यहाँ पर रजिस्टर करें। अगर आप पेज 2 पर आएंगे इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के, तो ये आपसे एक OTP मांगेगा। इस OTP के लिए आपको एक बड़ी ही सिंपल सी ऐप, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संदेश ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, जो आप प्ले स्टोर, ऐप स्टोर कहीं से भी कर सकते हैं। संदेश ऐप में जाके आपको एक सिंपल सा रजिस्ट्रेशन करना है, अपना नाम और मोबाइल नंबर डालना है। वहां से एक OTP जनरेट होगा, उस OTP को आपको इस नेशनल पोर्टल की रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने के लिए डालना है। संदेश ऐप एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऐप है, जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंज्यूमर से, भारत के नागरिकों से उन्हें अपडेट्स भेज सकती है, उनसे कम्युनिकेट कर सकती है। तो इसी ऐप के थ्रू आपको आपके सोलर प्रोसेस की भी अपडेट्स मिलेंगी।
तो ये करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाता है कंप्लीट। तो रजिस्ट्रेशन के बाद चालू होता है आपका सोलर एप्लीकेशन का प्रोसेस। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसमें काफी सारी डिटेल्स आपको डालनी होंगी, जैसे कि आपका सैंक्शन लोड कितना है, आप कितने किलोवाट का सोलर लेना चाहते हैं, आपका आपका बिजली विभाग का डिवीजन सर्कल, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वगैरह वगैरह। ये हम स्ट्रांगली एडवाइस करेंगे कि आप अपनी सोलर कंपनी की मदद से ही इस एप्लीकेशन को भरे, ताकि इसमें कोई भी गलती ना हो, क्योंकि करंटली नेशनल पोर्टल पर अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई गलती हो गई तो उसे करेक्ट करने का कोई तरीका नहीं है। हो सकता है आगे उसमें एडिटिंग या करेक्शन का तरीका आ जाए, लेकिन अगर गलत एप्लीकेशन जाके आपकी रिजेक्ट हो गई तो आप उसे एडिट नहीं कर सकते। अगर आप सोलर स्क्वायर के साथ सोलर बुक करना चाहते हैं तो आप हमारी सोलर फ्री सोलर कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। हमारे सोलर कंसल्टेंट्स आपका डिटेल्ड सोलर इवैल्यूएशन, आपकी जरूरतों को समझ के और फिर आपकी सारी टेक्निकल डिटेल्स इस एप्लीकेशन में भरेंगे, एंड हम 100% गारंटी करेंगे कि आपकी एप्लीकेशन सब्सिडी के लिए अप्रूव हो जाए। अगर आप सोलर स्क्वायर के साथ सोलर कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको पिंड कॉमेंट में मिल जाएगा। श्रेया, एक और क्वेश्चन जो कंज्यूमर्स के दिमाग में आ रहा होगा कि अभी इतने सालों तक जो स्टेट सब्सिडी चल रही थी, हमने ऐसा भी सुना है कि कुछ स्टेट्स नेशनल जो सब्सिडी उसके ओवर एंड अबव जाकर भी सब्सिडी दे रहे हैं, वो अब उस सब्सिडी का क्या होगा? क्या वो इसी पोर्टल के थ्रू मिलेगी, क्या उसके लिए अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, क्या कोई स्टेट्स अब दे भी रही है या वो सब्सिडी अब खत्म हो चुकी है सारी स्टेट्स में? व्हाट इज द स्टेटस ऑन स्टेट सब्सिडी? तो इसमें मैं जरा दो स्टेप्स में आंसर देना चाहूंगी। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की ही जो मेन सब्सिडी स्कीम है, पहले जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था, वो जो स्कीम है वो हर स्टेट अलग अलग अपना प्रोग्राम रन करता था और वहां से भी कंज्यूमर्स नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की सब्सिडी ले सकते थे। अभी नेशनल पोर्टल आने के बाद आपको वन यूनिफाइड सब्सिडी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की यहीं से मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ स्टेट्स हैं जो अपने प्रदेश के फंड्स में से भी एडिशनल ओवर एंड अबव नेशनल सब्सिडी कंज्यूमर्स को सब्सिडी देते हैं। बहुत ही चुनिंदा स्टेट्स हैं, मेरी जानकारी में शायद पूरे हिंदुस्तान में एक या दो स्टेट्स बचे हैं जो अब स्टेट लेवल पर सब्सिडी दे रहे हैं। इसके बारे में आप अपनी स्टेट विभाग की वेबसाइट से जाके पता कर सकते हैं। मेरी जानकारी के हिसाब से बिहार और उत्तर प्रदेश, ये दो प्रदेश हैं जहां पर नेशनल मिनिस्ट्री की सब्सिडी के अलावा भी प्रदेश सरकार कुछ सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। थैंक यू सो मच श्रेया, मुझे लगता है सब्सिडी से जुड़े हुए लगभग सारे डाउट्स हमारे क्लियर हो गए होंगे। आपके काफी फॉलोअर्स से ये सवाल आया था कि सोलर स्क्वायर की सर्विसेज किस-किस प्रदेश में अवेलेबल हैं, तो आप इस मैप पर देख सकते हैं सोलर स्क्वायर की सर्विसेज महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बैंगलोर, नई दिल्ली में अभी अवेलेबल हैं, और बहुत ही जल्द हम अपनी सर्विसेज राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी चालू करने वाले हैं, एंड होपफुली 2023 तक हम पूरे हिंदुस्तान के हर प्रदेश में अवेलेबल होंगे और घर घर को सर्विस कर पाएंगे। इसके अलावा भी हो सकता है आपके कुछ डाउट्स बचे हों, उन सभी के लिए एक बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट है। LLA की टीम सोलर स्क्वायर और श्रेया के साथ कर रही है एक इंस्टाग्राम लाइव, और ये होने वाला है Q&A लाइव अबाउट सोलर। तो आपके जो भी डाउट्स हैं सोलर से जुड़े हुए, वो सारे लेकर आप उस इंस्टाग्राम लाइव में आइए, वहां पे लाइव श्रेया के साथ आप ये क्वेश्चन पूछिए और LLA की टीम और सोलर स्क्वायर की टीम मिलकर उनके आंसर देने की कोशिश करेगी। उसकी डिटेल्स आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगी, इंस्टाग्राम लाइव कब हो रही है, कितने बजे हो रही है, और अगर अभी तक आपने LLA का इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और बाय द वे, आप वो डेट मिस कर चुके हो तो अगेन उस इंस्टाग्राम लाइव का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो का पार्ट वन जरूर देखें, क्योंकि आपके 99% क्वेश्चन उस वीडियो से सॉल्व एनीवेज हो जाने वाले हैं। तो हमारा ये मिशन है कि हम सोलर को सिंप्लीफाई करें, लोगों के लिए इसे आसान बनाएं। तो आपके जो भी सवाल हो प्लीज आप उस इंस्टाग्राम लाइव में हमसे पूछें, या जो हमारी फ्री सोलर कंसल्टेशन है उसमें हमारे बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्ट सोलर कंसल्टेंट्स आपके घर आएंगे और आपके सारे सवालों का जवाब आपके घर की जरूरतों को समझ के आपके लिए सोलर में क्या लेना सही है वो आपको एडवाइस करेंगे। और हमें उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस नेशनल प्रोग्राम के बाद घर घर लाखों घर इस सब्सिडी प्रोग्राम का बहुत जल्दी फायदा उठाएंगे। तो थैंक यू सो मच श्रेया अपना समय देने के लिए। जागरूक जनता, उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फॉलो करिए लेबर लॉ एडवाइजर को। जय हिंद।